हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चल दोस्तों, आज बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पे और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के सभी प्रीवियस पेपर को देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में इंटर जरूर बने रहिएगा, साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए व्हाट्सअप का, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को बारी बारी से फॉलो कर सकते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को डैश कहा जाता है। किसके प्रवाह को? यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को यानी कि धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? धारा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है धारा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। जबकि ए में दिया है प्रतिरोध। प्रतिरोध का यानी कि ओम होता है, इसको इससे दर्शाते हैं। जबकि फ्रिक्वेंसी को एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। और वोल्टेज को यानी कि भी से दर्शाते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया, एक कार्बन प्रतिरोधक पर रंगों का कोड इस प्रकार है, पहले लाल, फिर पीला और फिर भूरा और अंत में सिल्वर, जिसमें प्रतिरोध का मान है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, पहले लाल कह रहा है। तो इसका ट्रिक हम बता रहे हैं, बी बी आर ओ वाई, ग्रेट ब्रेट वेरी गुड वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ब्लैक हुआ, इसका मतलब ब्राउन हुआ, इसका मतलब रेड हुआ, इसका मतलब ऑरेंज हुआ। यानी कि जीरो से स्टार्ट करेंगे और नौ पे जाके क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो रेड वाला सबसे पहले लाल है, तो लाल कितना स्थान पे आएगा? यानी कि दो स्थान पे आएगा। तो दो वाला हम सबसे पहले दो लिख लिए। उसके बाद क्या है? फिर यानी कि पीला है, ठीक है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है। यानी कि पीला कितना नंबर पर आ रहा है? यानी कि पांचवा नंबर पे आ रहा। तो क्या लिखेंगे? चार लिखेंगे, क्योंकि जीरो से स्टार्ट किए हैं तो यहाँ पे चार दे देंगे। देखिए अगर ऑप्शन में ऐसे मिल रहा है तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है पूरा बनाने का। तो देखिए पांच वाला है तो ये तो गलत हो गया, चार वाला है पहले भी गलत हो गया, ये पांच वाला भी गलत हो गया। एक ऑप्शन बचता है तो दो चार आ रहा है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। हम ट्रिक बताए हुए हैं, ट्रिक पे आप लोग फॉलो कीजिएगा, ट्रिक को आसानी से यानी कि एग्जाम में जो है यानी कि टाइम कमाए हुए आपका क्वेश्चन बन जाएगा और एक नंबर आप वहां पे पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है, किसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आकार है। किसका आकार है दोस्तों? यानी कि इलेक्ट्रॉन का आकार है। और इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की अगर बात किया जाए तो प्लस में यानी कि 1.602 और गुणे में 10^-19 कूलम होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है ऐसा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वाला हमसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक अवरोधक पर चांदी वाला पट्टी के लिए सहनशीलता टॉलरेंस, यानी कि चांदी का कह रहा है। सबसे पहले यानी कि चांदी का पूछ रहा है, तो चांदी का बताने का प्रयास करेंगे। चांदी का प्लस माइनस यानी कि 10% होता है, जबकि सोना का पूछे तो प्लस माइनस यानी कि 5% होता है, ठीक है। क्या होता है? 5%। तो चांदी वाला हमसे पूछा है तो प्लस माइनस 10% किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20% तो प्लस माइनस यानी कि कोई सिंबल नहीं, तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। और केवल प्लस वाला तो होता नहीं, दोनों साइन के साथ आता है, पॉजिटिव वाला भी होता है और नेगेटिव वाला भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, एम्पियर डैश की SI इकाई होती है, यानी कि एम्पियर का आ रहा है, ठीक है। एम्पियर का आ रहा है, और एम्पियर किसका इकाई है? तो एम्पियर की अगर बात किया जाए दोस्तों, यानी कि विद्युत धारा का इकाई है। किसका इकाई? यानी कि विद्युत धारा का इकाई है एम्पियर। ऑप्शन किस में दिया है विद्युत धारा? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जबकि ए में दिया है वोल्टेज, तो वोल्टेज का इकाई एम्पियर नहीं है, ना प्रतिरोध का इकाई है, ना आवृत्ति का इकाई है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित है, उस परिपथ से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की गणना करें। यानी कि आई हमसे यानी कि ज्ञात करना है। आर का वैल्यू दिया है कितना? 50 ओम दिया हुआ है। साथ ही साथ वोल्टेज जो दिया हुआ है यानी कि 200 दिया हुआ है। तो वी बराबर क्या होता है? आई और इंटू में आर होता है। आई का वैल्यू हमको निकालना है, तो आई बराबर वी बटा आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी बटा आर हो जाएगा। तो वी का वैल्यू कितना दिया है? वी का मान दिया है यानी कि 200 और आर का मान दिया है यानी कि 50। इसको काटेंगे तो 5 × 20 यानी कि 4 एम्पियर आ रहा। ऑप्शन किस में दिया है 4 एम्पियर? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, ओम का नियम बताता है कि, यानी कि ओम का नियम, ठीक है, ओम के नियम के बारे में हमको बताना है। और ओम का नियम का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, यानी कि भी बराबर जो होता है, यानी कि आई और इनटू में आर होता है, ठीक है। वोल्टेज का यानी कि इक्वल जो होता है करंट और प्रतिरोध होता है, यानी कि रेसिस्टेंस होता है। ऑप्शन किस में दिया है, भी बराबर आई इनटू आर, ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। R बराबर वी आई नहीं होता है और I बराबर वी इंटू आर नहीं होता है, ठीक है। I बराबर जो होता है दोस्तों वी बटा आर होता है, ये रहता तो सही होता। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या, यानी कि सोना वाला। देखिए पहले भी बता चुके हैं और क्वेश्चन आ भी गया, तो सोना वाला पूछे तो प्लस माइनस 5% और चांदी वाला पूछे तो प्लस माइनस यानी कि 10%। और ऑप्शन किस में दिया है, सोना 5 प्लस माइनस 5%, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जबकि 10 में जो दिया है ये चांदी वाला दिया हुआ है। किसका दिया है, यानी कि चांदी का दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला और भूरा, सबसे पहले टी के लिखेंगे, बी बी आर ओ वाई, ग्रेट ब्रेट वेरी गुड वाइट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा, लाल, तो लाल जब ये आ रहा है तो दो वाला से स्टार्ट होगा, उसके बाद पीला करा तो यानी कि चार आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन अब मिला लेंगे, सात वाला तो गलत हो गया, एक वाला तो गलत हो गया, तीन वाला तो गलत हो गया, क्योंकि दो वाला से स्टार्ट हुआ है, चार वाला तो गया है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी में दिया है, दो चार वाला करेक्ट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ब्रिटिश अश्वशक्ति डैश के बराबर होते हैं क्या, पहले जिक्र कर दिया यानी कि ब्रिटिश, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश वाला पहले जिक्र कर दिया है। और ब्रिटिश में जो होता है यानी कि 746 वाट होता है, जबकि मीट्रिक की अगर बात किया जाए तो 735 यानी कि 5 वाट होता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है 746 वाट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न है, परिपथ में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को डैश कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के धकेलने वाले दाब को क्या कहेंगे, तो दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रॉन के धकेलने वाले दाब को यानी कि वोल्टेज कहेंगे, क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे। ऑप्शन किस में दिया है वोल्टेज, ऑप्शन बी में दिया है वोल्टेज। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की परमाणु संख्या है किसका, यानी कि तांबे का। और तांबे का परमाणु संख्या की बात किया जाए तो 29 होता है, कितना होता है, ध्यान रखिएगा, तांबा का, एल्युमिनियम का, ये सब का परमाणु संख्या एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है, करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध में रंग कोड बाएं से दाएं निम्न अनुसार हरा पीला सुनहरा प्रतिरोध को अवधतित प्रतिरोध क्या होगा, सबसे पहले क्या कर रहा, हरा, हरा छठा स्थान पे आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 लिखेंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद नीला, नीला कितना स्थान पे आता है, तो यानी कि 7 स्थान पे आता है तो 6 लिखेंगे। देखिए 5-6 वाला सब है तो और स्टेप हमको आगे बढ़ाना होगा। और वैसे भी पता कर सकते हैं कि यानी कि क्या कर रहा, सुनहरा कर रहा है, और सुनहरा का मतलब क्या होता है, ठीक है, सुनहरा का मतलब क्या होता है, यानी कि चांदी, ठीक है, सिल्वर होता है। तो अब देखेंगे यानी कि प्लस माइनस 5% वाला होगा, लेकिन इसमें कोई नहीं है 5% वाला, ओनली फॉर एक ही दिया हुआ है, तो इससे भी पता कर सकते हैं, तो ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। नहीं तो पूरा बनाते बनाते यानी कि आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा और एग्जाम में यानी कि टाइम कम बचेगा तो ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है, एक न्यूटन मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है, एक यानी कि न्यूटन मीटर, और एक न्यूटन मीटर बराबर दोस्तों यानी कि एक जूल होता है, क्या होता है, एक जूल होता है। ऑप्शन किस में दिया, एक जूल, सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर डैश होता है, यानी कि सूखा होने पर, तो सूखा की अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर सूखा की बात किया जाए तो 70,000 से लेकर के दोस्तों 1,00,000 के बीच होता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, 70,000 से 1,00,000। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही है।